नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। देश में महंगाई दर पर दिन बढ़ती जा रही है और कभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कभी दालों से लेकर सब्जी तक महंगी हो जाती है। कोरोना काल में जहां लोगों को अपने रोजगार के साथ हाथ धोना पड़ रहा है तो वहीं अब महंगाई उनकी कमर तोड़ रही है। इसी समय आमदनी चवन्नी तो खर्चा रुपया हो गया है, लोगों की जेब से लेकर घर का बजट तक बिगड़ गया है। ऐसे में सबका साथ तो सरकार को मिल गया लेकिन विकास सिर्फ महंगाई का ही हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी की मार झेल रहे लोगों की महंगाई से कमर टूट गई है। सबसे खराब हालत गरीब तबके के लोगों की है। काम बंद होने से इनकी आमदनी अमूमन चौथाई से भी कम रह गई है, जबकि महीने भर में होने वाला इनके घर का खर्च दो गुने से अधिक हो गया है। पहले करीब 7,000 रुपए में जिस घर का खर्चा चलता था, अब वो करीब 14,000 से 15,000 रुपया पहुंच गया है। नतीजतन कढ़ाई से तेल, बच्चों की बोतल से दूध और थाली में दाल सब्जी कम हो गई है। जनता गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने से पहले 100 बार सोच रही है। डीजल के बढ़े दामों ने ट्रांसपोर्टेशन महंगा कर दिया है, जिसके चलते मूलभूत चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। रोज पेट्रोल डीजल से लेकर खाने वाले तेल के दामों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। जनता ये सोच सोच कर दुखी हो रही है कि विकास उनका होना था और हो महंगाई का रहा है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से उज्ज्वला योजना की उज्ज्वलता खो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं फिर से चूल्हा जलाने को मजबूर हो गई हैं। एक 1973 का वीडियो है जब 7 पैसे पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ था। तब वाजपेयी जी ने तत्कालीन इंदिरा सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया था और बैलगाड़ी से संसद तक की यात्रा की थी। वीडियो देखिए। तो देखा आपने कि वाजपेयी जी ने किस तरह तत्कालीन सरकार के खिलाफ महंगाई पर किस तरह प्रदर्शन किया था। इसी तरह 2014 से पहले भी बीजेपी ने तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था और उसका ही नतीजा ये निकला कि बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के नारे के साथ पूर्ण बहुमत पाकर सत्ता में आ गई थी। लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उसको देखते हुए लगता है बीजेपी की सरकार ने मौन साध लिया है। वहीं विपक्ष को ये मुद्दा ही नजर नहीं आ रहा। खैर, 2022 में विधानसभा चुनाव है और विपक्ष महंगाई को छोड़कर इधर उधर के मुद्दे उठा रहा है, लेकिन जनता की नब्ज शायद विपक्ष पकड़ने में नाकाम है, या फिर उसे 2022 में जनता का वोट ही नहीं चाहिए। जो भी हो, हम तो यही कहेंगे कि महंगाई पहले डायन हुआ करती थी लेकिन अब महंगासुर हो गई है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी अजय सिन्हा, साथ ही स्टूडियो में अर्थशास्त्री मौजूद हैं भूपेंद्र तिवारी और स्काइप से हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं विवेक श्रीवास्तव। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा है अजय सिन्हा से। अजय जी, किस तरह से देखते हैं आपको जिस तरह से आजकल महंगाई आसमान छू रही है? देखिए, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जब यूपीए सरकार थी 2014 से पहले, तब लगातार महंगाई के मुद्दे पर यही बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी, चूड़ियां तोड़ रही थी। गैस सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन किया जाता था कि किस तरह महंगाई बढ़ रही, लोगों की जेब पे कांग्रेस सरकार डाका डाल रही है। 2014 में इतना बड़ा मुद्दा बन गई थी महंगाई कि तत्कालीन यूपीए सरकार को सत्ता से हाथ धोने पड़ गए। उसके बाद 2014 के इलेक्शन जब लोकसभा के हुए तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, एनडीए
की सरकार आई, मोदी जी को पूर्ण समर्थन दिया गया, उम्मीद की गई थी। देखिए उस समय नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन लोगों ने इस उम्मीद से जब वोट दिया और बाद में जिस तरह से समय बीतता गया और 2019 में जब इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तब भी लोगों ने उम्मीद की नारा बढ़ा दिया गया कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है तो साफ तौर पर जनता का विकास तो कहीं हो नहीं रहा। और कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों की जिनके पास नौकरियां उनकी सैलरियां बहुत कम हो गई, पेमेंट फंसने लगे, तो कहीं ना कहीं उसके चक्कर में आदमी की जो इनकम थी वो बिल्कुल जीरो के करीब हो गई है और जो महंगाई वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम बात कर ले पेट्रोल डीजल की, बात कर ले दालों की, बात कर ले सब्जियों की, बात कर ले इम्यूनिटी बढ़ानी तो फल खाने तो फलों की, बात कर ले हम मसालों की, बात कर ले हम सरसों के तेल की, बात कर ले गैस सिलेंडर की, बात कर ले हर चीज की जो दाम है वो आसमान छूते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज देखिए उज्ज्वला योजना लाई गई थी और सरकार ने खूब अपनी पीठ थपथपाई थी कि उज्ज्वला योजना लिया है, अब गांव की महिलाएं जो चूल्हे लकड़ी का चूल्हा या कंडे से चूल्हा जलाती हैं उनको सांस की दिक्कत होती है उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा और अब गैस सिलेंडर आ गया गैस वाला चूल्हा जलेगा। आप देखिए आज सिलेंडर के भाव क्या है, लगभग 833 रुपए का सिलेंडर है और जिनको सब्सिडी मिल रही थी पहले 250 रुपए सब्सिडी अकाउंट्स में आती थी लेकिन अब वही 25 रुपए 30 रुपए इस तरह सब्सिडी आ रही है। तो आप खुद देखिए कि कहां सिलेंडर के भाव आसमान छूते जा रहे हैं। पहले 450 रुपए सिलेंडर था तो इतना हो हल्ला मचता था, आज जो है 800 रुपए की सीमा रेखा क्रॉस कर गया है जो है सिलेंडर और कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे। तो महंगाई इतनी लगातार बढ़ रही है और सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार चुप्पी साधे हुए, सबसे बड़ी चीज ये है कि विपक्ष चुप्पी साधे हुए, उन लोगों को मुद्दा ही नहीं दिख रहा है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज ये कि ये जो समय चल रहा है कठिन समय चल रहा है हमारे देश में और विश्व में भी, तो लोगों की इनकम कितनी डाउन हो गई है और महंगाई लगातार महंगाई दुगने स्तर पे, जीडीपी एकदम डाउन हो गई है, महंगाई एकदम बढ़ गई है, पर कैपिटा इनकम की बात की जाए वो एकदम डाउन हो गई है। तो कहां से सरकार जो है सबका विकास कर रही है, सरकार को इस पे सरकार की जो है नजर ही नहीं जा रही कि किस तरह से जो महंगाई है वो पहले डायन हुआ करती थी अब वो महंगा सूर हो गई है। आप देखिए सब्जी आप खरीदने चले जाइए तो आप 100-200 रुपए आप थोड़ी सी भी एक समय की सब्जी खरीदेंगे तो खर्च हो जाते हैं। सिलेंडर की बात कर ले, पेट्रोल आप देखिए इस समय जो पेट्रोल का दाम है वो 90 रुपए क्रॉस कर चुका है, 96.97 रुपए इस समय लखनऊ में पेट्रोल का दाम चल रहा है। वहीं डीजल भी जो है 90 के आसपास आ गया है, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां जो है 100 भी क्रॉस कर गया है। सबसे बड़ी चीज जब आम जनता ने चीज सोची थी कि महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर होगी तो हो सकता हो कि पेट्रोल के दाम जो है वो 100 रुपए छुए, लेकिन वो जो स्तर था वो भी पार कर गया है। भोपाल में 107 रुपए का 107 रुपए पर लीटर जो है पेट्रोल के दाम पार कर गए। तो कहां सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबका साथ तो सरकार को जरूर मिल गया है लेकिन सबके विकास की बात की जाए तो विकास जनता का नहीं हुआ है, विकास महंगाई का हुआ है। बिल्कुल अजय जी आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे, एक सवाल विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता, उनसे पूछना चाहेंगे क्या कुछ कहना है आपका। पहले सरकार का एक सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई, लेकिन अब जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है क्या कुछ कहना है आपका इस पे? तो शायद विवेक को हमारी आवाज नहीं आ रही है। अर्थशास्त्री के पास हम जाएंगे, भूपेंद्र जी आपसे पहला सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार ये बात कही जाती है कि जिस तरह लगातार जो दरें बढ़ती जा रही हैं कहीं ना कहीं सरकार राजस्व को बढ़ाने के लिए लगातार चीजों के दामों में इजाफा करती है, क्या कुछ कहना है आपका इस पे? जी देखिए महंगाई बढ़ने का कारण जो सरकार दे रही है खास करके वो है पेट्रोल डीजल या क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि। अब सवाल ये आया कि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ कैसे रही हैं और उनका लिंक कैसे हुआ इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने ये किया कि क्रूड ऑयल जो आता था वो उसको इन्होंने मार्केट से लिंक कर दिया और मार्केट से लिंक करने के बाद इन्होंने सीधा कर दिया कि जो रिटेल प्राइस होता है जो पहले सरकार तय करती थी उसको इन्होंने फ्री कर दिया मार्केट से लिंक करके। यानी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो वो दाम यहाँ पर सीधे सीधे रिटेल प्राइस के रूप में पेट्रोल या डीजल की कीमतों में बढ़ेगा जी। मुश्किल ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की प्राइसेज जब बढ़ती हैं तो कई बार वो फ्लक्चुएशन वहां
प्रोडक्शन की वजह से नहीं होता है, बल्कि ये कन्वर्टिबिलिटी के रूप में होता है, यानी डॉलर और रुपए की जो कन्वर्टिबिलिटी होती है, दोनों के एक दूसरे का एक्सचेंज रेट होता है, वो रोज फ्लक्चुएट करता है, उसकी वजह से कई बार ये दाम चेंज होते हैं, प्राइसेस चेंज होती हैं। उसका परिणाम ये होता है कि बेगुनाह जनता यहां पर रिटेल प्राइस के रूप में मारी जाती है। सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। नंबर दो, आप प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हैं, मार्केट से लिंक कर दिए, चलो ठीक है। कोरोना काल में आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन आपका घटता जा रहा है, प्रोडक्शन घट करके आपका कहां आ गया है, जीडीपी माइनस में गई, अभी जीडीपी आपका प्लस में पहुंचा भी नहीं है कि फिर से आपने प्राइसेस बढ़ा दिए। कारण इसका प्रभाव यह होगा कि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, आपने मार्केट में डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दिया, तो यह प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाएगा, मार्केट में डिमांड कम होगी, मार्केट में जब डिमांड कम होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, तो मार्केट में क्या होगा, आपका जीएसटी कलेक्शन कम हो जाएगा, फिर जीएसटी कलेक्शन कम हो जाएगा, आप फिर रोना रोने बैठ जाएंगे कि लीजिए सरकार को तो रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज दिक्कत क्या हो गई है, आज पेट्रोलियम जो सेक्टर है इसको लोगों ने दुधारू गाय बना लिया है। इस दुधारू गाय को दूहते जाओ हर स्टेट, अब आपने एमपी का एग्जांपल ले लिया, एमपी में ये प्राइस जो है 107 रुपए है पेट्रोल का, यूपी में प्राइस 96 रुपए 97 पैसे हो गया है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट घटा करके इससे वैट को कम नहीं करना चाह रहे। अरे हम सीधा सीधा एक चीज कह रहे हैं कि आप इस सेक्टर को जीएसटी के अंतर्गत क्यों नहीं लाते, आपका जो बेस प्राइस है, बेस प्राइस तो आपका उसी पर स्थिर है। बेस प्राइस का मतलब होता है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट लेकर के, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ नहीं रहा है, आपका बेस प्राइस वही है। इसके बावजूद अगर आप ये कहें कि कंपनियों को छूट दे दिए, सीधे जनता को लूटते जाओ, अभी आपने एक चीज ध्यान दिया हो, बंगाल में चुनाव था, उतने दौरान जब बंगाल सहित 5 स्टेट में चुनाव था, उतने टाइम पर क्या प्राइस नहीं बढ़ रही थी, उतने टाइम तक क्या इंटरनेशनल लेवल पर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा था, उतने 2 महीने के दौरान क्या आपका वो इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के प्राइसों में हाइक नहीं हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कुछ नहीं, अगले 6 महीने तक ये बढ़ाते रहेंगे और इसके बाद जहां यूपी का चुनाव आया 2022 का, आप देखिएगा फिर ये क्या करेंगे, 10 रुपए बढ़ाएंगे और 4 रुपए उसमें कम करके इसके बाद कहेंगे लीजिए साहब मैं तो बिल्कुल कम कर दिया। मुश्किल इस बात की है कि पहले 1 रुपए या 50 पैसे की वृद्धि पर हाय तौबा मस्ती थी, आज की डेट में यह है रोज 30 पैसे 35 पैसे बढ़ाते 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 यह स्थिति आ गई है कि मई से लेकर के आज तक कुल मिलाकर के 35 बार पेट्रोल की प्राइसेज बढ़ चुकी हैं, 11.5 से 12 रुपए तक पर लीटर का डिफरेंस आ चुका है। इसके बावजूद सरकार के ऊपर कोई फर्क, सबसे बड़ा यहां तो विपक्ष एकदम शांत बैठा हुआ है, विपक्ष के लिए तो जैसे ये कुछ है ही नहीं है, सरकार ने तो एकदम आंख मूंद ही लिया है। हाँ, हाथ धोते रहो, कोरोना से कभी हाथ धो, कभी नौकरी से हाथ धो, कभी इनकम से हाथ धो, और कभी कभी कुछ चीजों से, और भी खाने पीने की चीजों से हाथ धोना पड़ जाएगा, बहुत जल्दी सामने आने वाला है। पर रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़े हैं, तो उनके पास जाना चाहेंगे। विवेक, क्या कुछ कहना है, जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, और अगर बात की जाए पहले की, तो कहीं ना कहीं सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का था, लेकिन आज जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग इससे काफी ज्यादा परेशान है, क्या कहना है आपका इस पे? और आज भी हम कहते हैं कि इस सरकार में उस कदर महंगाई नहीं बढ़ी है। आप केवल तेल की प्राइस को बैरोमीटर बना करके मत मापिए, खाद्य सामग्री के दामों पे जाइए। खाद्य तेल का दाम उछला था, उसको कंट्रोल में करने के लिए सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, अब वो दाम नीचे आ रहा है। सब्जियों के दाम नियंत्रण में है, किसी भी सब्जी का दाम ऐसा नहीं उछला हुआ है कि जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो। और जो भी विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, देखिए डीजल पेट्रोल के दाम जो है ये पूरे देश के लिए समस्या है, पूरे देश को इस पे, हर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं, जिन प्रदेशों में हमारी नई सरकार है वहां पे जिनकी सरकार वो भी इस पे नहीं कार्रवाई करती। भारत सरकार के पास बहुत सी जिम्मेदारियां, बहुत से कार्य उसको करने हैं, उस पर चलिए मान लीजिए वो इसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहते, स्टेट तो ला सकते हैं, स्टेट भी अपना लोग इस पे नहीं छोड़ रहे हैं।
तो ऐसे में ये कहना कि केवल महंगाई के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है, ये सत्य नहीं है। इसमें राज्य सरकारों का भी योगदान है। और जो हिंदुस्तान में जो आज आप कह रही हैं महंगाई, ये प्रोडक्शन कम और डिमांड ज्यादा होने के कारण है। लॉकडाउन में तमाम जगह पे प्रोडक्शन ठप रहा और डिमांड ज्यादा है, इस वजह से इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। तो किसी चीजों की किस तरह से कमी नहीं हो गई, तेल के दाम को ही कल केवल बैरोमीटर बना के महंगाई का आकलन करना ये ठीक नहीं है। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ विवेक जी। आपने जो तर्क दिया है बहुत अच्छे से आपने कहा है, शायद इन्फ्लेशन रेट में जो चेंज हो रहा है, इन्फ्लेशन की जो बेसिक कमोडिटीज थी 634, उन 634 कमोडिटीज को बढ़ा करके 1000 कमोडिटीज के करीब लाया जा रहा है, ये नीति आयोग कर रहा है, शायद आपको ये जानकारी होगी। इसके बावजूद इन्फ्लेशन रेट को अगर आप इससे कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें मैं आपको बता दूं, वेटेज जो ऑयल सेक्टर का वेटेज है पूरे इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करने में वो 22.86 है, वेटेज पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। और जिसकी बात आप कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बता दूं कि केवल सब्जियों का अगर वेट लेंगे तो सब्जियों का वेट केवल 0.2 से भी कम है। तो आप सिर्फ कहे कि सब्जियों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं तो इससे अर्थव्यवस्था में महंगाई नहीं बढ़ रही है, अरे भैया क्रूड ऑयल से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, क्रूड ये पेट्रोलियम और डीजल, अरे डीजल आप भी किसान के बेटे होंगे भैया एक चीज बता दीजिए, 90 रुपया पर लीटर अगर हम करेंगे, बरसात का हाल आप देख रहे हैं, कैसे धान बैठाएगा किसान, जरा आप हमको इसको बता दीजिए, वहां महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अगर उसका असर नहीं पड़ेगा तो फिर आप जरा हमको और बता दीजिए। दूसरी बात आप कर लीजिए, ट्रैक्टर यूज कौन करता है, मिडिल क्लास यूज करता है, किसान यूज करता है ट्रैक्टर की नहीं करता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे असर पड़ रहा है। और आप सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, चलिए जरा आप फिर सर्विस सेक्टर में आ जाइए, सबसे ज्यादा कोरोना की मार में परेशान सेक्टर था वो था सर्विस सेक्टर, जिसमें आता है होटल और ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन और जिसको हम कहते हैं पर्यटन उद्योग, सबसे ज्यादा तो मार भाई साहब इस पे पड़ रही है, वो लोग तो बेरोजगारी के मार से आज भी नहीं उबर पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो उनके ऊपर इन चीजों का असर पड़ रहा है, लोगों ने ट्रेवल करना कम कर दिया। एक्चुअल में हम आज उसकी बात कर रहे हैं, दो वर्ग बन गया है, 60% वो जनता है जो आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो अनाज का स्कीम चला दिया है और 2000 रुपए उनको मिल जाते हैं पर मंथ, उनको 1000 रुपए मिल जा रहा है, 5 किलो अनाज मिल रहा है पर फैमिली, और भाई साहब वो खा करके मस्त है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। 40% वो है जिनकी इस कोरोना काल में नौकरी गई है, इनकम घटी है, सरकार ने महंगाई भत्ता घटाया है, ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ गई है, ऑफिस जाने के लिए जहां वो 4000 खर्च करते थे अब 7000 खर्च करने लगे हैं, उनके वजह उसको सब्जियों के दाम, शहरों में रहने की कॉस्ट, हर तरह से मार उसकी 40% के लोगों के ऊपर पड़ रही है। अगर इसको थोड़ा सा और कंसाइज कर दें, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं इसलिए मैं थोड़ा और कंसाइज कर रहा हूं, इसमें केवल 20% ऐसे हैं, 20% जिनके ऊपर बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा है, ये हाई इनकम ग्रुप है, इसके ऊपर इन्फ्लेशन का असर नहीं पड़ता, लेकिन इसमें इस 40 में 20% ऐसा वर्ग है जिसके ऊपर महंगाई का असर बहुत ज्यादा पड़ता है और इस कोरोना काल में महंगाई का सबसे ज्यादा प्रभाव उसी 20% पर पड़ा है। बिल्कुल, एक बार फिर से हम विवेक के पास जाना चाहेंगे। विवेक, क्या कुछ कहना है आपका, जिस तरह से क्या लगता है आपको, आप कहीं ना कहीं सरकार को बता रहे हैं कि ये जिम्मेदार नहीं है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, तो क्या लगता है ये सरकार जिम्मेदार नहीं है इसकी? देखिए काव्या जी, मैंने ये कहा कि इस बढ़ती महंगाई के केवल केंद्र सरकार को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, राज्य सरकारें भी डीजल पेट्रोल पे लंबा टैक्स लेती हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके यहाँ भी डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इसको जीएसटी के दायरे में लिया जाए, बतौर किसान हमारी भी यही इच्छा है कि इसको भी जीएसटी के दायरे में ले आया जाए, और ये आम आदमी की इस मांग से मैं भी सहमत हूँ। रही बात डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम से, तो उसमें केवल क्रूड ऑयल का दाम और जो रुपए और डॉलर के दाम में जो गिरावट होती है, इससे तमाम चीजें फैक्टर होती है।
इसको बैरोमीटर बना करके आप महंगाई का आकलन नहीं कर सकते। रही बात बेरोजगारी की, तो जून में बेरोजगारी दर घटी है, ये एक अच्छा संकेत है, अच्छे संकेत की तरफ हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। उसके बाद फिर बढ़ी है भाई साहब, उसके बाद फिर बढ़ी है। सीएमआई का डेटा आप फिर से देखिए, जब घटी थी जून में तब उस समय हुआ था 7.9%, घट करके हम बात कर रहे हैं 23.9% से, जब घट करके बेरोजगारी की दर जो आपकी जीडीपी 23.9% माइनस में गई थी, जब बेरोजगारी की दर जून में घटी थी उसके बाद फिर बढ़ गई है। आप फिर से देखिए, सीएमआई का डेटा अभी रिलीज हुआ है, आप देख लीजिए। अजय आपके पास आना चाहेंगे, क्या लगता है जिस तरह से विवेक ने बताया कि कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार नहीं है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसको लेकर, तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है सरकार जिम्मेदार नहीं है या राज्य सरकारें भी इसकी बराबर की जिम्मेदार, जिस तरह से विवेक का कहना है? विवेक जी जो बात कह रहे हैं कि राज्य केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं, तो राज्य सरकारें बीजेपी की कितने राज्यों में सरकार है? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, मध्य प्रदेश की हम बात कर ले, वहां भी शिवराज सरकार है, बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं बीजेपी की सरकार है, राज्य की जो सरकार है वो आगे आके एक कदम उठाती है कि पेट्रोल और डीजल के दामों को कम किया जाए, क्यों नहीं आप जो अपना टैक्स लगा रही है वो कम कर रही है? तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी इस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, और जहां जहां उसकी सरकारें हैं वो एक पैरामीटर डिसाइड कर लें कि अन्य जो दूसरे दलों की जिन राज्यों में सरकारें हैं वो जो है बीजेपी की सरकार से सीख ले लें, क्यों नहीं कर रही है? आप कह रहे हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों को हम अगर उसको जो है पैरामीटर बना के अगर हम महंगाई को नाप रहे हैं, तो आप ये बताइए डीजल के दाम 90 रुपए के आसपास है प्रति लीटर, अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई स्वतः बढ़ जाएगी। आप किसानों की बात कर लीजिए, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, आप बात करते हैं उनको जो है एमएसपी पे उनकी धान खरीदने की, कहां धान खरीदा जा रहा है, मारा मारा किसान जो है फिर रहा है और फिर लगातार महंगाई बढ़ रही है ना किसान, और मध्य वर्ग की बात कर ले तो मध्यम वर्ग के पास नौकरी नहीं है, कोरोना काल में उनकी नौकरियां चली गई, तो पिस कौन रहा है? अगर अपर क्लास को छोड़ दे, जो बहुत एलीट क्लास है भारत का, अगर उसको छोड़ दें तो चाहे मध्यम वर्ग हो और चाहे जो है किसान हो, सब पिस रहे हैं। और अगर गरीबों की बात कर लें तो देखिए कहीं ना कहीं तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से जो मूलभूत चीजें जिसमें हम राशन की बात कर लें, सबसे बेसिक चीज, तो जो भारत सरकार जो लगातार फ्री राशन बांट रही है और लगातार 1,000-2,000 रुपए महीना जो है गरीब लोगों को दे देती है, तो कहां सोच हमारी जो भारत की जनसंख्या है जो जितनी भी लगभग 1.5 अरब के लगभग है, और जो गरीब तबका है उसकी सोच क्या हो गई? उसकी सोच यही हो गई कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही सरकार ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, हमें उनको आगे बढ़ने से उनकी जो सोच है कि हम आगे बढ़ के कुछ करेंगे तो वो खत्म हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल सोच यही है कि हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप हमें विवेक जी से पूछना चाहता हूँ, उज्ज्वला योजना किसके लिए लाई गई थी? उज्ज्वला योजना ग्रामीण महिलाओं को ध्यान में रखते हुए लाई गई थी। आज क्या हाल है उस उज्ज्वला योजना का? हमने सिलेंडर तो सबको बांट दिए, लेकिन आज क्या वो सिलेंडर भरवा पा रही है महिलाएं, वो परिवार सिलेंडर भरवा पा रहे? सिलेंडर किनारे रखा हुआ है। पर रोकना चाहिए एक मिनट, एक सवाल भूपेन जी आपसे है कि क्या लगता है जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, कौन से ऐसे बड़े कारण हैं जिसके चलते सरकार को इस तरह की जो चीजें में लगातार जो दरें हैं उनकी उनको उनमें इजाफा करना पड़ रहा है? देखिए विवेक जी को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, जीएसटी काउंसिल एक होती है, उस जीएसटी काउंसिल में 1/3 जो वोट का राइट होता है वो आपके वित्त मंत्री जी के पास अकेले है। हम कह रहे हैं कि इसको जीएसटी में आप शामिल कर लीजिए, 1/3 तो आपके वित्त मंत्री जी अकेले हैं और ज़्यादातर राज्यों में आपका आपकी ही सरकार है, तो आपको कुल मिला जुला करके अगर हम 2/3 की बात करें तो जीएसटी काउंसिल में आपको इसको शामिल करने में कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, हम आपकी एक बात से सहमत हैं कि अगर इसको जीएसटी में ले गए तो राज्यों को वैट से होने वाला नुकसान वास्तव में बहुत ज़्यादा होगा। ये नुकसान नहीं है बल्कि वो है कि सोने के अंडा देने वाली मुर्गी से रोज सोना मिल रहा है, उसको कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है, ये सीधी सीधी मुद्दे की बात ये है। दूसरी बात, अब जरा सा आप बात करें, केंद्र सरकार के हाथ में कुछ नहीं, बहुत आराम से कहना बहुत आसान है, लेकिन केंद्र सरकार के हाथ में 2 चीज है, फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज होता है, जैसे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज की प्राइसेज बढ़ती हैं उसी को आधार बना करके फर्टिलाइजर की प्राइसेज बढ़ा दी जाती हैं और सब्सिडी कम कर दी जाती है। फर्टिलाइजर की प्राइस आप पता कर लीजिएगा, अभी बढ़ा हुआ है, सब्सिडी घट गई है। मैं
उसका प्रमाण दे सकता हूं, क्योंकि मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हूं और मैं अभी खाद खरीद के आया हूं, नंबर वन। दूसरी बात, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन आपके केंद्र सरकार के हाथ में है, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री जो उर्वरक मंत्रालय है, रासायनिक उर्वरक मंत्रालय वो केंद्र सरकार का है, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आपका रेलवे है, वहां पर राज्यों का कोई रोल नहीं है। आप अगर कह रहे हैं कि ये कोई पैमाना नहीं है, राज्य सरकारों की वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो ये दो जगह तो रोक लीजिए। अगर रेलवे एक बड़ा भारी जो ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए हो, चाहे वो फ्रूट्स के लिए हो, आप वहां पर इसी डीजल को आधार बना करके इसके बाद प्राइस बढ़ा देते हैं। जब वहां पर आप ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ाते हैं तो मजबूरी में रिटेलर्स को प्राइस बढ़ाना ही पड़ता है, क्योंकि उनको बेचारों को ट्रांसपोर्टेशन देना। तो आप दो एक सेकंड कंप्लीट कर लीजिए, बस ये ट्रांसपोर्टेशन फर्टिलाइजर दो ऐसे सेक्टर हैं, एक से आपका किसान राहत मिल जाएगा, दूसरे से आपकी इंडस्ट्री को राहत मिल जाएगी, दो जगह तो आप कदम उठा सकते हैं। मैंने तो आपको रास्ता भी बता दिया, स्टेट गवर्नमेंट यहां कहीं आती भी नहीं है, तो सारा कुछ तो केंद्र सरकार के हाथ में है, कर लीजिए भाई। जी विवेक, आपके पास आना चाहूंगी, जनता का सिर्फ एक ही सवाल है इस समय कि क्या कब उनको महंगाई से निजात मिलेगा, क्या कहना है आपका इस पे? आपके पास आ जाएंगे, क्या लगता है आपको जनता का जिस तरीके से महंगाई से लगातार परेशान है, एक ही सवाल है उनके मन में कि आखिर कब उन्हें महंगाई से निजात मिल पाएगी? देखिए, हाल फिलहाल तो जिस तरह का तस्वीर सामने आ रही है उससे यही लग रहा है कि महंगाई से हाल फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। जैसा भूपेन जी ने बताया, कई सुझाव दिए, अगर ये सब सरकार मान लेती है तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है महंगाई से। और विवेक जिस तरह बता रहे थे, अभी मैं इनसे पूछूंगा कि अगर आप बीजेपी को नंबर देना चाहें 10 में तो कितने नंबर देंगे, तो ये कहिए 10 में 10 दे दें और 10 में 11 दे दें। लेकिन सच्चाई यही है कि देखिए, बेसिक चीज़ें हैं, सब्जी खरीदने इंसान जाता है, बहुत बेसिक चीज़ है, सिलेंडर गैस का हर महीने भरवाना पड़ता है, पेट्रोल गाड़ी में डलवाना पड़ता है अगर गंतव्य तक जाना है, आप दाल खरीद लीजिए, आप सरसों का तेल खरीदिए, कुछ भी खरीद लीजिए, आपकी जेब ढीली हो जाएगी। 2 रुपए दूध के, आधा लीटर दूध के दामों में 2 रुपए का इजाफा हुआ है, अगर आप 2-2 रुपए का ये सोचिए तो बजट लगातार बिगड़ रहा है। सरकार से लगातार जनता, चाहे वो युवा हो, चाहे वो सेवा सेक्टर के हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो गृहणियां हो, सब नाराज हैं। नाराज सरकार से भी है और नाराज विपक्ष से भी है कि अगर सरकार, यही सरकार, यही विवेक जी की सरकार 2014 से पहले उसको खूब लगता था कि महंगाई ऐसा मुद्दा है जो जिसने बंटाधार कर रखा है, कांग्रेस के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। अब विवेक जी को ये चीज नहीं लग रही है कि महंगाई सिर्फ पेट्रोलियम उत्पादों को आप लोग शामिल कर रहे हैं, महंगाई ऐसा कोई मुद्दा बड़ा नहीं है। वही मैं विपक्ष के लिए भी कहना चाहूंगा कि विपक्ष लगातार इस चीज पे खामोश है। देखिए, विपक्ष 2022 में राज्य में चुनाव है, 2024 में जो है लोकसभा के चुनाव है, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता, संजीवनी होता है विपक्ष के लिए, महंगाई का मुद्दा। लेकिन विपक्ष को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है, या वो विपक्ष समझना नहीं चाहता। आप कांग्रेस को देख लीजिए, देखिए 2014 के बाद से राजनीति भी बदली है। पहले सड़कों पर हंगामा होता था, अब ट्विटर पर हंगामा हो रहा है, महंगाई को लेकर लगातार जो है तंज कसे जा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो। लेकिन बात अगर करें सड़कों पर उतरने की, तो जनता को इस समय ना सत्ता पक्ष का साथ मिल रहा है, ना जनता को विपक्ष का साथ मिल रहा है। महंगाई तो अपनी चरम सीमा को क्रॉस कर चुकी है। नौकरियों की अगर बात की जाए तो सेवा सेक्टर में, सेवा क्षेत्र है, उसमें नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है, नौकरियां नहीं है, कितने लोगों की नौकरियां चली गई। हाल फिलहाल जिस तरह से अगली डेल्टा प्लस की लहर आने वाली है, तो ये लग रहा है कि और नौकरियां जा सकती हैं। और अगर इसी तरह लगातार महंगाई बनी रही, तो यकीनन ये बात मानिए कि जनता को, अगर जनता विपक्ष का साथ नहीं देगी तो जनता सरकार का भी साथ नहीं देगी, क्योंकि उस जनता को ये चीज साफ पता है कि सरकार विपक्ष दोनों मिलके उसको बेवकूफ बना रहे हैं। और जो उसकी सोच है आगे बढ़ने की, जिस तरह देखिए छोटा बच्चा होता है तो उसकी एक सोच माँ बाप डेवलप करते हैं कि उसको किस तरह भविष्य में आगे बढ़ना है, तो इस समय जनता की सोच बस इतनी टिक गई है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस उसके लिए वही काफी है। जिस तरह से बच्चे की सोच अगर इतनी डेवलप हो जाए कि बस हमें सिर्फ बड़ा होना है, बस जनता की भी सोच उसी बच्चे की तरह विकसित कर दी गई है इस देश में कि हमको अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि है और बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टूडियो से मौजूद थे अजय सिन्हा और अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद थे भूपेंद्र तिवारी और साथ ही हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव मौजूद थे। तो आज की इस चर्चा में कई चीजें निकल कर सामने आई हैं। सरकार जहां बढ़ती महंगाई को लेकर जिम्मेदार है तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं महंगाई का मुद्दा न उठाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। शायद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए महंगाई कोई मुद्दा है ही नहीं। खैर, हम तो यही कहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द बढ़ती महंगाई पर रोक लगाए, क्योंकि जब जनता का ही विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। आज की डिबेट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।